सो व्यूअर्स, ये है प्रणव दुबे और ये है नेहा दुबे। तो व्यूअर्स, आज एहतिसाम के साथ मैं हूँ और बड़ा प्यारा सा और क्यूट सा भाई है, छोटा सा। और बस आज ये आपकी मोहब्बतें हैं जनाब। अभी हम मौजूद हैं अबरे पे और अबरे का आप व्यू देख सकते हैं। मेरा मन करता है कि मैं बीच के दूसरे कॉर्नर पे जाऊं और दूसरे कॉर्नर पे मुझे इतनी प्यारी खूबसूरती नज़र आ रही है और वहां पे जाने के लिए मुझे छोटी बोट पे बैठना पड़ेगा और छोटी बोट पे मिलते हैं। सो व्यूअर्स, अभी हमने टिकट्स वगैरह ले ली हैं और यहाँ पे सबसे वेट कर रहे हैं और जैसे ही हमारी मतलब बोट आती है तो हम अल स्किप हैं और शाम और कैमरा मैन। सो हमें थोड़ा सा जल्दी करना है क्योंकि इसका इतना टाइम नहीं है चलने के लिए। सो अभी हम अपनी यॉट पे मौजूद हैं, लिटल बोट पे मौजूद हैं और जाने लगे हैं सेफ। तो थोड़ा सा सीन दिखाते हैं आपको राउंड। हमारा जो कहते हैं हमारी बोट जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही देर के बाद ये यहाँ से डिपार्च कर जाएगी। तो मैं और शाम आज पानी की लहरों के ऊपर जाएंगे दूसरी तरफ अल सीफ। माशाल्लाह, इस वक्त नमाज़े इशा का वक्त हो चुका है और हम अल सीफ में मौजूद हैं। नमाज़े इशा हम अल सीफ में अदा करेंगे। तो अल सीफ क्या है इसके बारे में आपको नमाज के बाद में आपको बताएंगे। वेलकम टू ओल्ड दुबई। सो व्यूअर्स, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं पुराने दुबई, मतलब आपको टोटली इस किनार के उस तरफ जो है ना जो ऑपोजिट दूसरी तरफ है न्यू दुबई और इस तरफ है ओल्ड दुबई। आप इसकी इमारतें देखें, इसकी बिल्डिंग देखें, टोटली जो है ना वो पुराने तर्ज से बनाई गई हैं। मतलब दीवारें, मतलब जो इसके बाजार हैं वो टोटली पुराने हैं। नया दुबई, पुराने दुबई की क्या बात है। पुराने दुबई में आपको बड़ा पुरसकून माहौल मिलेगा, बड़ा सुकून से। मतलब आप ये देखें सुनसान, यहाँ पे इतना मतलब कि क्राउड नहीं है। जो शख्स तस्कीन दिल हासिल करना चाहता है वो अल सैफ पुराने दुबई में आए और जो जो दुनिया से इंजॉय करना चाहता है वो न्यू दुबई में जाए। और यहाँ की इमारतें आपको दिखाते हैं, इसके अंदर के व्यू दिखाते हैं इस दुबई के। जो पुराने वक्तों के जो नवादरात हैं ना वो आपको मिलेंगे। ओल्ड मतलब जैसे होम नहीं था ओल्ड, वो यहाँ पे पुराने वक्तों की चीज़ें होती थी, हाथ से बनी हुई। मतलब ये देखें पेंटिंग, ये वाली जो पेंटिंग है ना ये हाथ से की गई है और बड़ा बड़ी कारीगरी मतलब के दिखाई गई है, बड़ा ट्रिक दिखाया गया है। तो ये देखिए, सो इस वक्त जो मेरे हाथ में जो पेंटिंग है ना वो हमारी ये वाली सिस्टर हैं, इन्होंने बनाई है। और अल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए इनके हाथ में क्या कारीगरी दिखाई है। मतलब जो आपने मेरी पेंट्स देखी है ना, पेंटिंग देखी है मेरे हाथ, और ये भी देखिए थोड़ा सा करीब लाएँ और ये दिखाएं। देखिए क्या कलर कम्बिनेशन किया, ज़बरदस्त। ऐसे रियलिटी महसूस हो रही है, कैसे लग रहा है कि मतलब कि रियल चीज़ है। तो
ये भी अल्लाह सुबहान ताला जो है ना किसी किसी के हाथ में मतलब कितना जादू रखता है। तो ये मेरी प्यारी सिस्टर जो इनके हाथ में अल्लाह सुबहान ताला ने माशाल्लाह मियां थैंक यू सर थैंक यू मैं मतामल हैमल तराती मतलब हैमा हेरिटेज रेस्टोरेंट। तो ये यहाँ का मतलब कि मुकामी जो हेरिटेज रेस्टोरेंट है देसी माहौल जिसको कहते हैं हमारी ज़ुबान में देसी जो विलेजर रेस्टोरेंट है वो यहाँ मतलब दुबई की जो जो हुद की जो क्या कहते हैं डिशेज हैं जो देसी डिशेज हैं जो अरब अमारात की वो हैमा हेरिटेज रेस्टोरेंट पर आपको मतलब मिलेंगी। और अनवर यहाँ पे तो पाकिस्तानी मतलब हर कंट्री की डिशे अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे दुबई के रिलेटेड जो डिशेज हैं वो आपको अल हैमा हेरिटेज रेस्टोरेंट पे मिलेंगी।